हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्मिता और आप देख रहे हैं शॉपिंग विद स्मिता। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। मजे में होंगे, मस्ती कर रहे होंगे डेफिनेटली। तो आज का जो वीडियो बेस्ड है वो है सल्फेट फ्री शैम्पू पर, कि हमें सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ क्यों करना चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हैं, और अगर सल्फेट वाला शैम्पू यूज़ करते हैं तो उसके क्या नुकसान है, उसके क्या मतलब बहुत आगे तक बहुत ज़्यादा उसके मतलब नुकसान होते हैं और प्रॉफिट कुछ नहीं होता, लॉस ही लॉस होता है। और बाज़ार में ऐसे बहुत से शैम्पू हैं जो सल्फेट वाले शैम्पू आते हैं, और बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि सल्फेट फ्री शैम्पू एंड सल्फेट वाले शैम्पू भी होते हैं, होते होंगे। और जो लोग अपने बालों की केयर करते हैं अच्छे से, उन्हें पता होता होगा कि सल्फेट फ्री शैम्पू ही यूज़ करना चाहिए। सल्फेट वाले शैम्पू इतने ज़्यादा मतलब डेंजरस होते हैं कि वो आपको गंजा तक कर सकते हैं, और आपके बालों से जो नेचुरल आपकी जो नेचुरल मॉइस्चर है, प्राकृतिक नमी को छीन लेते हैं और आपके जो बालों को ड्राई कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा हद तक ड्राई कर देते हैं। तो आज का वीडियो इसी पर बेस्ड है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेट गेट स्टार्टेड वीडियो, एंड आपको मैं आगे बताऊंगी कि टॉप 5 शैम्पू कौन से होते हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट। तो बहुत सारे जो सल्फेट फ्री शैम्पू हैं मार्केट में वो भी आते हैं, सल्फेट वाले शैम्पू भी आते हैं। और सल्फेट वाले शैम्पू जो होते हैं वो अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको बंद कर दीजिए यूज़ करना, क्योंकि उसमें ऐसा एक तो जो सल्फेट वाले शैम्पू होते हैं वो उनमें जो सोडियम लॉरिल करके एक एजेंट मिला होता है, डिटर्जेंट एजेंट होता है, वो आपके बालों को बहुत हद तक रूखा बना देते हैं, ड्राई कर देते हैं, और आपके जो नेचुरल मॉइस्चर है बालों से वो भी छीन लेते हैं। और बहुत समय तक आप उसको यूज़ करने से आपके बालों में और स्कैल्प में स्वेलिंग हो सकती है और ईचिंग हो सकती है, क्योंकि सल्फेट फ्री शैम्पू आप जानते हैं डिटर्जेंट होते हैं। अगर आप बालों को आप ऐसे सीजर से आप ऐसे करोगे तो वाइट डिटर्जेंट टाइप का ही निकलेगा और कुछ नहीं निकलने वाला। तो आज से ही आप सल्फेट फ्री शैम्पू का यूज़ करिए, उसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं लंबे समय तक, और बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्लांट डेरिवेटिव होते हैं, मतलब उसका मतलब होता है पर्यावरण के अनुकूल होते हैं सल्फेट फ्री शैम्पू। तो आज से ही आप सल्फेट फ्री शैम्पू को यूज़ करिए। और मैं भी मतलब मुझे भी नहीं पता था, ज्ञान का अभाव था, पढ़े लिखे होकर के ज्ञान का अभाव था कि सल्फेट फ्री शैम्पू भी हमें यूज़ करना चाहिए, ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर सल्फेट वाले शैम्पू आँखों में चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इरीटेशन होती है, जलन होती है, और फिर आप कुछ कर नहीं सकते। मान लीजिए गलती से भी चले गए तो आपकी आंखों में जलन होगी। तो चलिए, ये तो हो गया सल्फेट वाले शैम्पू के जो नुकसान है वो हो गया, अब मैं बता देती हूँ सल्फेट फ्री शैम्पू के फ़ायदे क्या हैं। तो चलिए वो मैं आपको बताती हूँ सल्फेट फ्री शैम्पू के फ़ायदे। तो सल्फेट फ्री शैम्पू के एक नहीं अनेक फ़ायदे हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा है वो आपकी जो बालों की प्राकृतिक नमी है उसको बनाए रखते हैं, नेचुरल जो मॉइस्चर है उसको बनाए रखते हैं, आपके बालों में चमक और कोमलता प्रदान करते हैं, आपके बालों से नेचुरल नमी को छीनते नहीं है, जो भी होती है उसको बनाए रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपके हेयर कलर्ड हैं तो उसको भी बहुत ही मतलब आपके कलर्ड को वो बिल्कुल भी रूखा नहीं करेंगे, मतलब फेड नहीं करेंगे, जैसा कलर है वैसा ही रहेगा। इसीलिए ये कलर ट्रीटेड हेयर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़फुल हो जाता है सल्फेट फ्री शैम्पू। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, अगर ये गलती से आँख में चले भी गए तो बिल्कुल भी आपको इरीटेशन नहीं होगी, कोई जलन नहीं होगी, कोई हार्मफुल नहीं होगा, आपकी आँखों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि इनमें झाग ज़्यादा नहीं होता है और ये प्लांट डेरिवेटिव होते हैं, मतलब कि पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। तीन बेनिफिट तो आपको मिल ही गए, और अगर मैं चौथे बेनिफिट की बात करूं तो वो भी सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब बात कर लेते हैं कि टॉप 5 सल्फेट फ्री शैम्पू आखिर हैं कौन से। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ टॉप 5 सल्फेट फ्री शैम्पू मेन एंड वुमेन कौन से हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सल्फेट फ्री शैम्पू जो टॉप 5 है, सबसे पहले अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो सेंट बॉटेनिका का आता है शैम्पू, सल्फेट फ्री शैम्पू होता है। और दूसरे नंबर पे आता है पिलग्रिम का शैम्पू, वो भी सल्फेट फ्री शैम्पू है। और अब आते हैं, बात करते हैं लॉरियल एक्सटेंसो का। इसमें लॉरियल एक्सटेंसो में दो वेरिएंट होते हैं, जो कि एक सल्फेट वाला होता है और एक सल्फेट फ्री वाला होता है। तो आपको गोल्डन कलर वाला लेना है सल्फेट फ्री शैम्पू, वो भी अगर मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट होगा तो मैं लगा दूंगी। सबसे पहले पिलग्रिम, ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है लॉरियल एक्सटेंसो का, फिर तीसरे नंबर पर आप ले सकते हो एम कैफीन का, जो कि मेरे पास है वो शैम्पू, वो है ये कंडीशनर के साथ मुझे मिला था, और ये सबसे बड़ी बात है ऑफ़र में मुझे एक के प्राइस में दो मिल गया था। और अगर इसके प्राइस की बात करूँ 499 का है, तो मुझे 499 में दोनों मिल गए थे। वैसे इसका प्राइस 700 या 800 समथिंग है, और मुझे बोगो मैंने एक मतलब ऑफ़र चल रहा था इसमें, तो मैंने इसको ऑर्डर किया था। तो ये है नेक्ड एंड रॉक कॉफ़ी
कॉफ़ी विथ प्रोटीन सल्फेट एंड सिलिकन फ्री साफ सफाई से मेंशन है, तो अगर मेंशन है तो लिखा है तो बिल्कुल भी होगा। और मैंने इसको यूज़ किया है, बिल्कुल भी आपकी आंखों में लगेगा नहीं, और हल्की सी ये फ्रेगरेंसेस कॉफ़ी जैसी आपको लगेगी। ये कॉफ़ी के कलर का ही है ये शैम्पू, और मुझे कंडीशनर मिला था, आज ही मैंने इससे वॉश किया है। मेरे बाल बहुत ही सॉफ्ट है, सिल्की शाइनी, बिल्कुल भी इसने झाग नहीं किया। जब मैं धुल रही थी ना तो मेरे बाल एकदम ऐसे लग रहे थे कि एकदम ड्राई हो गए, बट जब मैंने वॉश करने के बाद देखा तो मेरे बाल अपने आप ऐसे जैसे थे वैसे ही हो गए नेचुरली। तो ये आप मंगा लेना बोगो, अगर अभी अवेलेबल होगा तो मैं कूपन कोड आपको दे दूंगी, आप उसको स्कैन करके मंगा लेना, मेरे कूपन कोड से आपको ये मिल जाएगा, बाय वन गेट वन मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो कुछ तो छूट आपको मिल ही जाएगी, आप कूपन अप्लाई करोगे और अलग अलग खरीदोगे तो सिंगल्स पे ही वो कूपन अप्लाई होता है बोगो का। तो ये इसके साथ कंडीशनर भी मुझे मिला जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और अगर पाँचवें नंबर बात कर लेते हैं तो वाव का आता है ACV एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू, वो आप यूज़ करो, वो भी सल्फेट फ्री शैम्पू होता है, उसके साथ कंडीशनर भी आता है, तो आप दोनों यूज़ करो। और अगर मेन की बात करें तो मेन के लिए आता है सॉच कॉफ का येलो एंड पर्पल कलर का सल्फेट फ्री एंटी हेयर फॉल शैम्पू, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये टॉप 5 शैम्पू हो गए, और ये भी एंटी हेयर फॉल कंडीशनर है, और कॉफ़ी विथ आर्गन ऑयल है, और ऑल हेयर टाइप है, नेट क्वांटिटी 250 ml। तो ये काफ़ी चलेगा कंडीशनर है ये, आप इसको शैम्पू की तरह तो यूज़ करोगे नहीं, तो ये काफ़ी चलने वाला है। 499 इसका प्राइस है, इसकी एक्सपायरी डेट 2023 है, जो कि आप बहुत ही यूज़ कर लोगे अगर आप हफ्ते में 3 बार भी बाल धुलते हो, मतलब ठीक है हफ्ते में 3 बार मैं कह रही हूँ, 2 बार अगर आप हेयर वॉश करते हो तो। ब्रू फॉर योर हेयर स्ट्रेंथेंथ, देखिए इसका क्या स्ट्रेंथेंथ हेयर प्रिवेंट्स हेयर ब्रेकेज नरिशेज हेयर शाफ्ट, ठीक है। ब्रू योर हेयर इज गोइंग टू लव कॉफी कंडीशनर पैक्ड विद कॉफी एंड कैफीन दैट वर्क टुगेदर टू स्ट्रेंथेंथ विटामिन B5 जो होता है नियासिनामाइड, जो कि मैंने बताया था आपको, आर्गन ऑयल है इसमें, तो आर्गन ऑयल बालों को जो आपके जो हेयर फॉल होते हैं उसको रोकने में बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद होता है। आर्गन ऑयल एंटी हेयर फॉल होता है, आर्गन ऑयल आप अगर आप उससे मसाज भी करके ये अपने बालों को वॉश करते हो तो भी आपके बाल झड़ना रुक जाएंगे, टूटते और झड़ते बालों के लिए तो वरदान ही होता है सल्फेट फ्री शैम्पू। बिल्कुल भी आपको वो सल्फेट वाले शैम्पू यूज़ करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत ही नुकसान है, फ़ायदे कुछ भी नहीं है। तो ये शैम्पू है हेयर फॉल कंट्रोल, हेयर साफ नरिशमेंट, डीप क्लींजिंग, डीप क्लींज ये भी करेगा। और जो सल्फेट वाले शैम्पू होते हैं वो करते क्या हैं, उसमें जैसे मैंने बताया सोडियम लॉरेल करके एक डिटर्जेंट एजेंट होता है जो आपके बालों से तेल को निकालने का काम करता है, मतलब कि जो अभी आपके बालों में नमी होगी सब कुछ छीन लेंगे अगर आप बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज़ कर रहे हो सल्फेट, फिर तो बिल्कुल भी आपके नेचुरल बाल नहीं रह जाएंगे। तो उसके फ़ायदे नहीं है, कुछ नुकसान ही है। तो आप ये शैम्पू ऑर्डर कर लेना, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप बाय कर लेना। तो ये टॉप 5 शैम्पू मैंने बता दी, जिसमें से एक मैंने खरीदा है टॉप 5, पांचों तो मैं खरीद नहीं सकती, एक एक करके यूज़ करूँगी, जो कि मैंने इसको मंगाया यूज़ किया देन आपके सामने रिव्यू लेकर के आई हूँ। और मैंने हर वीडियो में बोला है जो मैं यूज़ करती हूँ उसी का रिव्यू मैं करती हूँ, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तो ये टॉप 5 शैम्पू थे, एंड अगेन मैं यही कहूँगी कि आप सल्फेट फ्री शैम्पू का ही यूज़ करिएगा। तो आज का वीडियो इसे समाप्त करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो आप एक लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। और बड़ों को आशीर्वाद चाहती हूँ, छोटों से ढेर सारा प्यार, छोटों को और जो मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं उनको बहुत ढेर सारा प्यार। वो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली टू।